नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहंताणं नमो मज्जायाणं नमो लोहे सप्तसाहूं। नमः शमय साराये सानुप्याजकाय जिस्वाय भावाय सभी महानुभाव एक बार अपने अपने मोबाइल देख लीजिए, मैं लेके आया हूँ और प्लीज इसको स्विच ऑफ कर दीजिए। नोटिफिकेशन भी होता है तो पिछले 20 साल में प्रवचन नहीं लिए थे तो कृपया मोबाइल बंद कर दीजिए। कैसा हूं मैं? चिंतामणि हूं। कैसा चिंतामणि हूं? पहली समस्या आती है, दिखे तो यहां कह रहे हैं वो मन का भी विषय नहीं है ना, प्रॉब्लम जिसका आप अनुभव करने के लिए बोल रहे हो वो दिखाई तक नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है, चख नहीं सकते। जिस आत्मा के अनुभव का नाम सम्यक दर्शन है, मोक्ष मार्ग है, वो न दिख रहा है, न विचार में आ रहा है, न सूंघ पा रहे हैं। कैसे ट्रेस करें? प्रॉब्लम है ना, यही प्रॉब्लम है, कैसे ट्रेस करें? उसका उत्तर है, अव्यक्त होने पर भी त्रिकाल व्यक्त। अव्यक्त होने पर भी, अव्यक्त माने इंद्रियों से अव्यक्त, ज्ञान से अव्यक्त नहीं, इंद्रियों से अव्यक्त। लेकिन इंद्रियों के पीछे व्यक्त कौन है? इंद्रियां तो मुर्दा है, इंद्रियां तो जड़ है, इसके पीछे व्यक्त कौन हुआ ये तो सोचो। श्रीमद जी ने अपने साहित्य में लिखा है, खोजने वाला खोजने वाले को ढूंढ रहा है। क्या कहा? खोजने वाला हमारी जिज्ञासा के विषय, वो आत्मा कैसा होगा? खुद ही आत्मा है, आत्मा ही आत्मा को ढूंढ रहा है, आत्मा कैसा होगा? युगल जी बाबू जी कहते हैं, आत्मा होकर के अपनी सत्ता में शंका। मिथ्यात मतलब आत्मा होने पर भी अपनी सत्ता में ही शंका, पता नहीं मैं हूं कि नहीं, आत्मा है कि नहीं। ये तो बोल कौन रहा भले, ये तो डेड बॉडी है। रसना इंद्री से रस का ज्ञान होता है कि नहीं बोलो? हैं? हम बोले क्या रहे, रसना इंद्रिय से रस का ज्ञान होता है कि नहीं ये पूछ रहे हैं। तो फिर काहे से होता है ये तो तुमने रटा रटा है बोला है। रसना इंद्रिय रस के ज्ञान में निमित्त है, निमित्त है। कान कान में रसगुल्ला डालोगे तो नहीं होगा ज्ञान, नाक में डालोगे रसगुल्ला तो कोई ज्ञान नहीं हो जाएगा। रसना इंद्री रस के ज्ञान में निमित्त है, निमित्त है, निमित्त ही तो है।
कुछ कह गए वजन घटाने के लिए, निमित्त निमित्त ही तो है, अर्थात सचमुच निमित्त पर तो मात्र आरोप आता है, उसे तो कुछ होता ही नहीं। तो रसना इंद्रिय से तो रस व्यक्त नहीं हुआ, रस का ज्ञान व्यक्त नहीं हुआ, वो कौन नहीं जाना फिर? यदि ऐसा होता बहुत बढ़िया लिखा बाल बोधिक में, तो फिर मुर्दा मरे शरीर को भी जानना देखना सुनना चाहिए, सुख दुख का वेदन होना चाहिए। डेड बॉडी पे रसगुल्ला रखो जापान पे तो खुश हो जाएगा, नहीं होगा? तो आप बताओ फिर वो कौन है? ये तो मुर्दा है, फिर टोटली टोटली मुर्दा है। आत्मा निकल जाती है तो वो ही कोई व्यक्त है, बस त्रकाल व्यक्त। त्रकाल व्यक्त क्या गजब है, इसके मरने का आरोप हम पे लगता है, हम तो जिंदा हैं। समाधि वर्ण में क्या लिखा है, समाधि पाठ में, मेरी जिंदगानी से जिंदा हुई। मैं त्रिकाल अमर हूं, मैं त्रिकाल जिंदा हूं, मरा तो जय है, और इसका आरोप हमारे ऊपर लग जाता है, हम मर गए। रुक जाओ, आरोप भी किसी ने नहीं लगाया, हम खुद ही लगा रहे, मर गए तो जिंदा। त्रिकाल जिंदा आदमी कह रहा है, आत्मा आत्मा आदमी नहीं, त्रिकाल जिंदा आत्मा कह रहा है मैं मर गया तो, ये तेरा भय मिथ्या है। ध्यान रखना कुछ कह रहा हूं, सभी लोग सुनना ध्यान से, स्वानुभव के नाम पर जितनी कल्पना करते हो मिथ्या है। ऐसे बैठ जाओ बस, आत्मा का अनुभव कर लो बस, ऐसा नहीं। तू बोल, त्रिकाल जिंदा महसूस होता है तुझे कि मरने का भय चलता रहता तुझे? इसका मतलब तेरा अहम इधर है, मर गए तो, मर गए तो। बड़ी रोटी तो खाना पड़ती है, मर गए तो, दवाई तो खानी पड़ती है, मर गए तो। तो तेरा अहम इसमें कायम है कि आत्मा में है? लिखा है छोटे समाधि मरण पाठ में, ये तो है चिरकाल की मोई, मोई समझते हो, मरी मराई, ये उस साइड की भाषा है थोड़ी, मोई सुनना है कभी? राबड़ी देवी बोलती थी मुआ कहीं के, मुआ बोलती थी, मुआ मैंने मरा मराया। आईएएस को बोलती थी, कलेक्टर को जो होते थे ना इसके अंदर सबॉर्डिनेट, उनको बोलती थी मुए खड़ा है। उस दिन मुझे बहुत बैराग आया था जब मैंने पढ़ा अखबार में, तो ऐसे बोलती है, इंडिया के टॉप टैलेंटेड आदमी, वो अंगूठा छाप से सुन रही, सोचो समझ गए। फिर त्रिकाल व्यक्त, त्रिकाल व्यक्त, भजन इसमें दो, त्रिकाल व्यक्त, त्रिकाल जिंदा, त्रिकाल चैतन्य का वेदन करने वाला। पंडित जी रात को तो होश नहीं रहता, झूठ बोल रहे, रात को भी होश रहता है, आत्मा कभी नहीं सोता, त्रिकाल व्यक्त कह रहा हूं, रात को भी नहीं सोता, सो के बता दो रात के, मुर्दा ही मुर्दा होता उस समय भी तुम्हें सब होश होता है, नहीं तो खुजाते कैसे हो, करवट कैसे बदल देते हो, होश है जब तो बोलो। अव्यक्त होने पर भी व्यक्त, त्रिकाल व्यक्त, सोचना जितनी बातें कह दी रिपीट नहीं कर रहा, त्रिकाल व्यक्त, अलिंग ग्रहण फिर भी स्वानुभव प्रत्यक्ष। एक लाइन में अलिंग ग्रहण की पूरी चर्चा चलेगी, अलिंग ग्रहण, अलिंग ग्रहण, लिंग माने चिन्ह, लिंग माने चिन्ह, आ माने नहीं, ग्रहण माने जानना, चिन्ह से जो नहीं जानने में आता, चिन्ह से जो जानने में नहीं आता उसका नाम है अलिंग ग्रहण। तो फिर हम कैसे जाने? सियादवाद की मजबूरी है कि वो चिन्ह से बोलता है, और अनेकांत की मजबूरी है कि वो चिन्ह से समझ में नहीं आता। क्या बोला मैंने? सियादवाद की मजबूरी है वो चिन्ह के बिना नहीं बोल सकता, और अनुभूति की मजबूरी है कि वो चिन्ह से होती नहीं है। क्या है ये, समझ में आ रहा है कुछ? लोक में भी वो तीन बार कहते के बाद भजन रखा उस पर, लोक में भी चिन्ह से कोई अनुभूति नहीं होती, ज्ञान से ही अनुभूति होती है सारी। और नहीं तो आप करके देखो, करके देखो,
जो आप इमेज करते हो किसी आइटम की, जो पहली बार खाना है आपको और कोई ने बहुत तारीफ की तो आपने उसकी इमेज करी, होता है ना ऐसा, और जब खाते हैं तो फिर आप कहते कुछ लगे ही नहीं, इसका क्या मतलब निकला? जो तुमने इमेज सुन करके बनाई थी वैसा तो वेदन में आया ही नहीं। देखा होगा हर मामले में, देखा होगा हर मामले में, जो आपने इमेज की है दुनिया में वैसा कुछ भी नहीं मिला। शादी की कितनी इमेज की थी, शादी के बाद क्या मिला? ईमानदारी से बोलो, नहीं बोला तो अकेले में बोल देना। कितनी इमेज होती, ओरे 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 भैया, मालूम पड़ा 48 घंटे बाद तलाक। सबसे महंगी शादी हुई थी, 48 घंटे में तलाक ही हो गया। तो उससे पूछा पत्रकार ने, तो तुमने शादी क्यों की थी? मुझे मुझे एक्सपीरियंस करना था कि होता क्या है। भोजन का, पिकनिक का, देखा कभी पिकनिक करके दाल बाटी बनाई हुई तो कहीं जा करके बड़े अरमान बनाते हो, चल 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 और 10-10 रुपए इकट्ठे कर, अब नहीं 10 का तो जमाना मारा ओ गए हो फिर बनाया। मैंने एक ही बार दाल बाटी खाई दोस्तों के साथ जा गए, ए भगवान नदी का पानी मटिया मैट, क्योंकि बाढ़ आई हुई थी, मतलब क्या कहला था वो पानी बरसात के दिन थे, कंडों पे बनाई और चार तरफ लैट्रिन पड़ी नदी के किनारे वहां सब है इतना गंदा पानी, नहीं चिंता नहीं करो फिटकरी डाल दिया हमने, फिटकरी डाल के उसको बिठाया। नहीं भैया मजा कहाँ आ रहा है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है मजा आ रहा है, तुम तो बहुत कह रहे थे बड़ा मजा आएगा पिकनिक में। बोले देखो कहीं मत देखो, सबको करो गौण और स्वाद को करो मुख्य, इसी का नाम है। प्रभु अलिंग ग्रहण, अलिंग ग्रहण होने पर भी स्वानुभव से प्रत्यक्ष, यदि बहुत ओवर इमेज नहीं करो तो मैं स्वानुभव का अर्थ करूं, स्व है ये अनुभव, कुछ काम ही नहीं, कुछ कोई रोमांच, कोई किटकिटी, कोई चमचमाहट, कुछ नहीं होती इसमें, कुछ नहीं होती, कुछ नहीं होती। अनुभूति बड़ी सामान्य का नाम है, फिर से बोल रहा हूँ, फिर से बोल, सामान्य का ही नाम अनुभव है, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, अमृतचंद स्वामी लिख रहे हैं सामान्य के आविर्भाव का नाम सम्यक दर्शन है। और सामान्य का मतलब नो मजा, नो विशेष, नो एक्साइटमेंट, नथिंग एल्स। इसीलिए तो हमें समझ में नहीं आ रहा वो आत्मा का कैसा होता है। कई लोग हैं जिन्होंने ऐसा खूब कोशिश करी, मैं आत्मा हूं सच मुझ मेरी सत्ता है, लेकिन मजा तो आया ही नहीं। ऐसे लोग भी हैं, क्यों इतना तो सरल ना, मैं आत्मा हूं मेरी सत्ता है, त्रिकाल है, असिद गुण है, बैठ के देखा मजा ही नहीं आया। तो तू मजा क्यों ढूंढ रहा था? पॉइंट पकड़ में, मजा ढूंढ रहा था, यही मिथ्यात हो गया। तो मजा आता है कि नहीं आता है? अरे भाई क्या करे फिर, वो कैसे मजा समझाए। फिर से सुन, मजा का लक्षण भी लिंग ग्राह नहीं है, अलिंग ग्राह है। अलिंग ग्राह है वो, इसे तू मजा का भी लिंग मत ढूंढ, लिंग मतलब चिन्ह। क्यों टोडरमल जी को लिखना पड़ा मोक्ष का सुख कैसा है, टोडरमल जी लिखा है मोक्ष का सुख कैसा है, तो लिखा है इंद्र के सुख से अनंत गुना। फिर लिखा कि नहीं नहीं, इंद्र का सुख तो इंद्रिय सुख है, इंद्र का सुख तो इंद्रिय सुख है, और सिद्धों का सुख तो अतिंद्रिय सुख है, जाति ही मिलती नहीं है, जाति ही इंद्रिय सुख और अतिंद्रिय सुख, कहते ऐसी बात हो गई। पंडित साहब नहीं पिटने का कितना मजा है, कि एक थप्पड़ पड़ने पर जितना मजा आता है उससे आनंद गुना। तो ये तो वो तो पिटने की जाति हुई, हमने क्या पूछा था, नहीं पिटने का आनंद। नहीं पिटने का आनंद, ये तो इंद्रिय सुख और सिद्धों का। फिर टोटम जी से पूछा तो फिर जिनवाणी में सिद्धों का सुख ऐसा क्यों लिखा, क्यों लिखा? कि आम पब्लिक को तो इंद्रों का सुख ही बहुत लगता है, अब उन्हें तो वही सुख लगता है, और भाई मजा। तो इसलिए कह दिया कि अनंत सुख, उससे भी अनंत गुना सुख। जब तुझे इनके ही सुख नहीं समझ में आ रहा तो उनका अनंत गुना, ओ तू अमेज कर बस खत्म। सच कहता हूं, जब
वस्तु स्वरूप के धरातल पे जाके देखोगे तो रोमांच दुख है। कुछ काम है बैठ कर जो अनुभूति के नाम पे जो रोमांच ढूंढते फिरते हैं ना, वो दुख है। लिखा था मोक्ष में प्रकाशित रोमांच हो आता है, हम कह रहे रोमांच हो आना दुख है। आत्मा में रोम नहीं है, रोमांच कहां से होगा, रोम में आत्मा नहीं। इससे कठिन थोड़ी हुआ, इससे तो सरल हुआ। तू रोमांच में ढूंढना, मैं बहुत सच कहता हूँ, इतने लोग परेशान है, इतने माने गिनती के, बाकी तो स्वानुभव का उपाय नहीं करते, बाकी तो पूजा पाठ करके रोमांच हुआ जाता है उनको तो। बढ़िया संगीत के साथ पूजा कराओ, आखिरी में नाश्ता दो, आज का दिवस है मंगलकारी, इतने में आनंद हो जाता है। अरे भैया बहुत बढ़िया पूजा हुई, बहुत बढ़िया मजा आया। क्या मजा आया कि आखिरी में खमन ढोकला और वो मैसूर पाक रत्नत्रय हुए क्यों। क्या गजब, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत मेहनत माने सामान्य होने की मेहनत, मेहनत माने फिर से समझ लो चीज, ये मेहनत भी करता है तो विशेष में, पॉइंट पकड़ में आ रहे। आत्मा का अनुभव कैसा होगा, अब विशेष की मेहनत कर रहा है, विशेष होगा ही नहीं उसमें, बिल्कुल नहीं होता विशेष। और नहीं तो एक कल्पना करते थोड़ी देर के, थोड़ी देर के लिए कल्पना करते दृष्टान दे करके, श्रीराज नाम है ना, हाँ श्रीराज, वर्ल्ड कप जीतते हैं तो जीतते ही क्या होता है ना, कुछ कुछ होता है ऐसे ऐसे करने लगते हैं सब लोग, ठीक। तो ये कब तक, 2-5 साल के लिए जीते, नहीं जरा कल्पना करो अनंत काल के लिए केवल ज्ञान हुआ, तो फिर केवल ज्ञान होने पर कितना रोमांच होना चाहिए। जैसे केवल ज्ञान होता हुआ तो माँ भी भगवान एकदम उछल पड़े होंगे, ओए हो गया केवल ज्ञान हो गया। क्या करते होंगे बताओ। अब हम कह रहे हैं ये दुख की व्यक्तता है, दुख की व्यक्तता है। कभी कभी खिलाड़ी जीत के रोने लगते हैं, देखा कभी, लोग कहते नहीं हर्ष के आंसू में, हर्ष के आंसू में, अरे दुख की व्यक्तता है। प्रभु सुनो, सामान्य का आविर्भाव का नाम सुख है, सामान्य का आविर्भाव का नाम सुख है। दृष्टांत दूर नहीं समझ में आया, मैं जानता हूँ अब क्या बताया, अमूर्तिक सत्ता की बात कर रहा हूं। सामान्य का परिश्रम पुरुषार्थ, इसे समझाने के लिए छोटा सा दृष्टांत, और तो कोई रास्ता नहीं मिल पाता। अरबपति आदमी हो, अरबपति आदमी, छोटी मोटी की बात नहीं कर रहा हूं, अरबपति खरबपति आदमी हो और उसकी शादी हुई, पत्नी आई, अब ये दोनों सुखी कब होंगे, जब ये सामान्य धरातल पे रहे तब, ये हर समय विशेष को ढूंढते रहे। लाइन फिर से बोल देता हूं, सामान्य के धरातल पे रहे तो सुखी होंगे, या हर समय विशेष ढूंढते रहे तो सुखी होंगे। बस सोचना, बहुत मेहनत का पार्ट है। दृष्टांत ध्यान से सुनो बेटी, दृष्टांत सुनो ध्यान, सरल दृष्टांत है बिल्कुल तुम्हारे समझाने के लिए। जैसे पत्नी ने पति को देखा तो पति नाराज हो गया, तू ऐसे देख रही है, मुस्कुरा के क्यों नहीं देख रही मुझे, तो अब झगड़ा होगा कि शांति होगी। अरे वो जैसी देख रही, देख रही तेरी पत्नी है, इतने सामान्य में जिंदा रहे। अब उसने कहा मुझे पानी पीना है, तो ऐसे क्यों बोलते हो, मैं क्या नौकरा नहीं हूं, पानी पीना है उठा के पी लो, तू ऐसे बोलती मुझे, महाभारत चालू। अरे उसको पानी पीना था, उसने कहा पानी पानी दो, पानी दो, ऐसे तो नौकरानी से बोलती, तो पत्नी से कैसे बोलना चाहिए, तुमसे कहा जरा सुनो पानी चाहिए, अब बताओ क्या हुई है, रोज ऐसे बोलने पड़ते मैं। बोलो बोलो, कदम कदम पर तो सुखी होंगे कि दुखी होंगे। अरे वो कैसे भी मांग रहा है, पानी मांग रहा है, उसको प्यास है, उसकी प्यास हो जाओ पानी दे दो तो सुखी हो जाओगे। और कदम कदम पर कह रहा हूँ, कदम कदम पर, आप ये सर एक ऐसे देखना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे हंसना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, क्यों वो उसे जल्दी स्कूल जाना था, कहीं जाना, कहीं ऑफिस जाना था, जल्दी जल्दी खा रहे, कैसे भूखमरी से खा रहे हो, शांति से खाया करो,
जैसे तुम सगाई के दिन खा रही थी। सगाई के दिन बहुत आराम से खाता है आदमी, मुंह खोल के नहीं खाता, बिल्कुल धीरे धीरे। उस दिन तुम बहुत अच्छे लग रहे थे, आज तो तुम बिल्कुल, अब कोई तुम्हें उपमा अलंकार दे दे तो मुसीबत है। समझ में आया कोई? अच्छी उपमाएं भी दुख पैदा करती है और खराब उपमाएं भी दुख पैदा कर, दो ही बता दी मैंने, दो ही। अब मैं फिर से कहता हूं, सामान्य रहने का नाम सुख है या विशेष रहने का नाम सुख है? हम कह रहे करोड़पति अरबपति खरबपति हुए अंबानी की मैसेज, नॉर्मल फोटो देखो उसके, बिल्कुल सिंपल, 200 रुपए का गाउन पहनती, कॉटन का छोटा सा, बस खत्म। वो तो शादी थी ना राधिका की, इसलिए बहुत सारे आभूषण पहने थे उस दिन। उस दिन दिख रही थी वो बिल्कुल बिल्कुल अलग। वहां की रोहित तो भी आभूषण नहीं पहनती, क्योंकि सुखी रहने के लिए सामान होना जरूरी है। इतनी बड़ी नथ पहन लो, रोटी नहीं खा सकते। इतने बड़े बड़े भाई भाई झुमका पहन लो, कान खट जाएंगे, पूरे कैच खा गए। मैंने एक भी आभूषण सामान्य की सत्ता में ही दे देना। क्यों? एक एक लाख दस दस लाख की साड़ी पहन के चौका में काम कर सकती है? साड़ी संभालेगी कि रोटी बनाएगी? वो एक भी काम बता दो, एक भी झाड़ू लगा सकती है? क्यों? 10-5 लाख की साड़ी पहन के और 50 लाख के गहने पहन के एक भी काम विशेष के धरातल पर नहीं हो सकता। अब जब मैंने दृष्टांत दे दिया आपको, अब बताओ, तो सामान्य अंबानी की मिसेज देख के तुम्हें आनंद ही नहीं आता, हम क्या करें? ऐसे सामान्य ध्रुव गाय भाव देख कर तुम्हें आनंद नहीं आता, हम क्या करें? तुम सामान्य के अनुभव के नाम पर भी विशेष ढूंढते हो। पंडित जी मजा आ जाएगा, केवल ज्ञान होगा तो, ओहो तुझे विशेष का आनंद है। पंडित जी आज तो सम्यक दर्शन हो ही जाए, नहीं होगा, क्योंकि तुझे विशेष का आनंद है। सम्यक दर्शन का आनंद कैसा होता है अनुमान लगाओ, आपको लगाना पड़ेगा, मैं नहीं बता सकता। सामान्य का अनुमान जिसका विशेष होने पर कुछ लगा ही नहीं, कुछ हुआ, इसका नाम आनंद। अब पहचान नाम ही नहीं मालूम, क्या बोला हमने? जिसके होने पर लगा कुछ हुआ ही नहीं। पंडित साहब से पूछा, पंडित साहब इतने दिन हो गए सत्संग करते हुए, प्रवचन सुनते हुए, कुछ हुआ ही नहीं? पंडित जी बोले कुछ होने ही नहीं था। कुछ नहीं हुआ ही बहुत बड़ा काम है, तुम्हें गाय का आनंद आ रहा है, कुछ हो जाता तो बिल्कुल पकड़ना ही। बात हंसी हंसी मत लेना, बात गरिष्ठ बात है। हर आदमी को लगता है कुछ हो जाए, माने सम्यक दर्शन हो जाए, अनुभव हो जाए, कपकपी हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ एक्साइटमेंट हो जाए, कुछ अलग हो जाए। कुछ नहीं होगा, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ का नहीं। तो हमने पंडित साहब, लेकिन कुछ होना तो चाहिए, इतने दिन हो गए, हम नहीं समझे उनकी बात। तो बोले बताओ, निगोद में गया तो क्या हुआ था? कि कुछ नहीं। और मोक्ष जाएगा तो क्या होगा? कि कुछ नहीं। सामान्य ध्रुव तो सामान्य ध्रुव ही रहेगा ना। अब तुम्हें सामान समझने के बाद जो रिलैक्स है, निश्चिंता है, निर्विकल्पता है, इसका नाम सदुपयोग। बिल्कुल कह रहा हूं, सम्यक दर्शन के नाम पे कुछ ढूंढना ही मत, अलिंग ग्रहण है। और स्वानुभव, स्वानुभव माने स्व है ऐसा अनुभव, स्वानुभव माने स्व है, पर है ना, स्व है ना, आनंद गुण वाला है, नो नो, पर्याय वाला नहीं, मिथ्या दर्शन। ओ चुप, समय चुप। बहुत सारा दृष्टांत देता हूं। श्रेयान, घर में कपूत का जन्म होता है कि सपूत का? बहुत सरल प्रश्न है, कोई कठिन नहीं। बोलो भाई, अब पूत का होता है। अच्छा, गोरे पुत्र का होता है कि काले पुत्र का? ये गोरा काला कहां से ले आए? पुत्र तो पुत्र होता है। समझ में आएगी नहीं? तो जो चार विशेषण हुए, ऐसे हम और भी बना सकते। क्यों? गरीब बेटा पैदा होता है कि अमीर बेटा? पुत्र, बस। ऐसे असंख्यात विशेषण बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपकी नजर केवल पुत्र पर है। क्यों? घर में काला बेटा पैदा हो जाए तो खुशियां कम मनाई जाती हैं। अरे भैया क्या बताएं, काला काला आया है। अरे बेटा हुआ है, बेटा पुत्र हुआ है, आपकी समझ में आ गई ना पूरी? यदि आप पुत्र के पैदा होने पर आनंद कर सकते हैं तो ये सम्यक है, और विशेष देख करके आनंद करते हैं तो मिथ्या है। ज्ञान में, हाँ फिर से स्वानुभव कर बोलो, स्व है ऐसा अनुभव, मन अनुभव मन ज्ञान, स्व है
पंडित साहब की रचना है, बिल्कुल साफ साफ लिखी है, सदा ही है न होता है न जिसमें कुछ भी होता है। व्यक्त अव्यक्त की लाइन बोलो, सहज भाव में से, सहज भाव में उसमें से, मुक्ति में व्यक्त है जैसा, भजन दो भजन दो, गाओ मत, मुक्ति में व्यक्त है जैसा यहाँ अव्यक्त है वैसा, भजन दिया जैसा वैसा पे, तुम इस तरह सुन के आना नहीं है, हाँ है नहीं हमें तो स्पेशल चाहिए, स्पेशल वाला मिथ्या दृष्टि है, इससे बढ़िया क्या आनंद हो सकता है, मोक्ष में जैसा व्यक्त है वैसा यहाँ, वैसा वैसा वैसा। सरल दृष्टांत पहले दे चुका हूँ, पिछली बार पढ़ाया था, जो सिद्ध रूप का कोई याद होगा वो दृष्टांत, पता है कौन सा दिया था दृष्टांत, बोलो भाई श्रेयांश आया, मुकेश आया, इतने में शीतल आ गया, भोजन कर रहे थे, दो केले छिले हुए रखे थे, दोनों को एक एक छिला हुआ केला परस दिया, अब शीतल आया, तो उसके बाद परसने के तो बहुत काम रहते नहीं, तो छीला नहीं, सीधा रख दिया, सीधा केला रख दिया, तो शीतल नाराज होकर भाग जाएगा, मेरे साथ अन्याय हो गया, सबको शुद्ध केला मिला मुझे अशुद्ध केला क्या बोलो क्या करोगे शीतल, उठ जाओगे भाग जाओगे क्या करोगे, क्यों देखो इनको कितने सम्मान के साथ शुद्ध केला मिला है, छिलका रहित, और तुमको कौन सा केला मिला है बोलो श्रीहांस क्या होगा इसको, कुछ नहीं, क्यों अब गाना गाओ फिर से श्रेयांश की थाली में व्यक्त जैसा यहाँ अव्यक्त बिल्कुल वैसा ही सेम टू सेम। ए सुन मानस, तेरा भगवान और सिद्ध का भगवान वैसा का वैसा सेम टू सेम, अब इतना सुन के रोमांच नहीं होता तो गधा है इतना में, इतने में तो काम हो गया, अब क्या करते हैं कैसे दिखता है रोमांच हुआ। अब ये रोमांच तो एक कहने की शैली है, रोमांच किसी को नहीं होता, रोमांच तो ठंडों में होता है जब पास में कोई गर्म चीज आ जाती है, देखा कभी वो छाता वगैरह आएगा तो ये रोम खड़ी हो जाती है, या मोम पपड़ क्या कहला पॉलीथीन वगैरह आ जाएगी, तो पॉलीथीन करके देख लेना, पॉलीथीन रोम खड़े हो जाएंगे, ओ सम्यक दर्शन हो गया देखा कभी रोम खड़े होते थे कि करके देखना प्रैक्टिकल अरे बबू सुन तो सही, समझाने की शैली है, कुछ नहीं होता है, इसका नाम समझ में है का आनंद, है का आनंद है कि मात्र प्रतीति अनुभव, पंडित साहब ने लिखा है कि मात्र प्रतीति अनुभव स्थिरता से सुख होना है, कुछ करने को बताया ही नहीं, आगे चलो, अलिंग्रहण फिर भी स्वानुभव प्रत्यक्ष, स्व है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में देखो है कि नहीं, प्रत्यक्ष मैंने आंखों के सामने नहीं कहते, प्रत्यक्ष है ना दृष्टांत पंडित जी, लेकिन दिखना तो चाहिए, विकास कह रहा दिखे तो सही आत्मा, ठीक है आज का प्रवचन तो सुन लेंगे दो दिन और, इसके बाद तो चले ही जाएंगे, क्या करें आत्मा दिखता तो है नहीं, ये तो पिताजी का थोड़ा प्रेशर होता है, थोड़ा समाज का प्रेशर होता है, सुन लेते हैं क्यों, तब विकास इस कमरे में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है ना, बोलो भाई इस कमरे में ऑक्सीजन नाम का पदार्थ बिल्कुल नहीं है, नहीं है ना बोलो, अरे ऐसे कैसे हमें दिखता तो है ही नहीं, दिखाओ कहाँ है बताओ, कहाँ है ऑक्सीजन, किस कोने में, कितने वजन की है, कितने साइज की है, रंग की बोलो शीतल, किस रंग की है वो ऑक्सीजन, आवाज बोलो उसकी, खुशबू बोलो चक्के बोलो, चक्के बोलो ऑक्सीजन खुशबू टेस्ट, पंडित जी बकवास मत करो है बस, यही तो बोलोगे आप, बकवास मत कराओ है, अच्छा हमसे तो कह रहे बकवास मत करो और तुम बकवास कर रहे, तो है ना, हम भी कह रहे आत्मा की सत्ता है, फिर कह रहा हूं कैसी है कितनी है डिजाइन मॉडल वजन आकार कुछ मत पूछ, प्रदेश कुछ मत पूछ, है ना,
यदि ऑक्सीजन की सत्ता को तुम इतनी जल्दी मान लेते हो तो फिर अपनी सत्ता मानना इसका नाम सम्यक दर्शन। अब क्या कहते हैं मुकेश बोलो, पूछूंगा बाद में सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। पंडित जी आप जैसा तो नहीं हुआ, अब मारे जैसे। इसका मतलब हम विशेष ढूंढ रहे हैं, विशेष विशेष समझना चीज है, बहुत समझना भैया, सरल बात एकदम। हाँ स्वयं है अस्तित्व है, सत्ता है, सिद्ध हो जैसा है, इतनी कह सकते हैं, बात खत्म हो गई। लेकिन सही बताऊं, आत्मा के बारे में इतनी बाल की खाल निकाली जाती है कि वो आत्मा गायब हो जाती है। ईमानदारी बात है, नहीं तो एक सेकंड में सम्यक दर्शन होता है, एक सेकंड बहुत होता है, एक सेकंड। कई बार दृष्टांत दे चुका हूं पहले, एक सेकंड बहुत होता है सम्यक दर्शन के लिए। क्यों? क्योंकि आत्मा की डिटेल जानने का नाम सम्यक दर्शन है ही नहीं, और आत्मा की डिटेल जानने का नाम ध्यान सुनना निर्णय भी नहीं। कुछ कह रहा हूं, आत्मा की डिटेल जानने का नाम तत्व निर्णय भी नहीं, आत्मा का विचार करने का नाम तत्व निर्णय नहीं है। बस इतना ही था, मैं हूं मेरी सत्ता है, सामान 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 का निर्णय भाई, इतना ही। और इसके दो चार दृष्टांत दूं कहो तो बिल्कुल बहुत सरल है। एक सांवला सा लड़का था, जानबूझ के दृष्टांत में सांवला लड़का दिया, सांवला लड़का था 20-22 साल का, कॉलेज का, और एक लड़की उसके ऊपर इतना सा कागज उस पर लिखा ILU, तीन अक्षर लिखे, उतनी जगह थी वहां और जगह नहीं थी, और इतनी सी उसने गोली बनाई और उसकी नाक पे मार के चली। अब नाक पे पड़ेगी तो नजर तो जाएगी कौन ने मारा। एक लड़की भाग रही थी शर्म के मारे, उसने वो कागज उठाया और खोल के देखा, जीरा बट्टी खोल के देखी उसने, उसमें लिखा था ILU। इसके बाद कुछ नहीं समझ में आई भाई, कुछ नहीं हुआ उसे। अच्छा हाँ, कक्षा नर्सरी में पढ़ती होगी ये समझ में आई भाई, क्यों कैपिटल लेटर में लिखे थे, तो कौन सी क्लास में पढ़ती होगी वो, नर्सरी में पढ़ती होगी। अब बताओ इस मामले में उसे कहाँ डिटेल सुननी पड़ी, समझनी पड़ी, कुछ करना पड़ा, कुछ उसे सब दिख गया, उसका हृदय प्रत्यक्ष। उसे उसको सब कुछ हो गया, रोमांच वोमांच सब कुछ हो गया अपने, सब कितनी देर में हुआ, क्यों धीरे धीरे करंट चढ़ता होगा, आंखों से घूमता 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 दिमाग में आएगा, फिर जाके सब में आएगा, ऐसे वहां कितनी जल्दी हो गया, एक सेकंड। फिर उसे ये भी विकल्प नहीं आया, मैं तो काला हूं, मैं तो फला हूं, मैं तो गांव का हूं, मैं तो, हमें नहीं मालूम, बस उसने पसंद कर लिया, ऐसे हमें नहीं मालूम, हमारे ज्ञान ने हमारा ज्ञान पसंद कर लिया, हो गया समझ से, डिटेल जानने ही नहीं है, सच कह रहे डिटेल जानने ही नहीं, ना वो डिटेल जानने जाएगा और ना डिटेल पूछने जाएगा, तो तुम लिख के बताओ 1008 पॉइंट कि मैं तुम्हें क्यों पसंद आया। पूछ लेगा ना लड़की, कहेगी मैं तो बेवकूफ थी जो तुझे पसंद किया। बिल्कुल इतना सिंपल, एक सरल दृष्टांत दे दिया, हजारों दृष्टांत है, एक सेकंड में सुनते ही हम डिटेल में नहीं जाते। और दूसरा दृष्टांत नहीं, बहुत सरल है एकदम, बोलो शादी में दहेज में तुमको फेरारी कार मिली, सबसे बड़ी कीमती कार 15 करोड़ की मिली फ्री मतलब दहेज में, आपको पहली बार कान में खबर पड़ी कि कार मिली, इतना सुनते से क्या क्या होता है, फिर आप बहुत विचार करते होगे एकदम अंतर्मुखी होकर, फेरारी कार किस देश का निर्माता है, इसका कहां से आई होगी ट्रांसपोर्ट होके, उसका कलर क्या होगा, उसका चेसिस क्या होगा, उसकी विंडो कैसी होगी, उसके ऑटोमेटिक सिस्टम्स क्या क्या होंगे। चंदू भाई आनंद कब आएगा, इसका तो अनुभव होगा, स्वानुभव प्रत्येक बच्चे की शादी में कुछ मिल जाए तो एकदम आनंद नहीं आ जाता है। बोलो 1 करोड़ का हार चढ़ाने के लिए मिला तुम्हारी बेटी के लिए, बेटी ने सुना 1 करोड़ का हार आया तो क्या डिजाइन देख देख के खुश होती होगी, इधर नीलम लगे होंगे, इधर माणिक, ऐसे सुनते ही तीन दृष्टांत हो गए, सुनते ही आनंद होता है, ऐसे सिद्ध समान सदा पद मेरो, सुनते ही बस हो ही बात, आगे चलो। पर स्वानुभव प्रत्यक्ष, एक टंकोत्कीर्ण परमार्थ स्वरूप आत्मा,
एक टंकोत्कीर्ण, एक टंकोत्कीर्ण परमार्थ स्वरूप आत्मा, ध्येय स्वरूप, एक बहुत प्यारा शब्द आ रहा है जिसकी चर्चा करना है, लोकोत्तर साधन। आवाज आ रही है? अजय तो बंद है ना। हाँ, लोकोत्तर साधन। टंकोत्कीर्ण तो सबने सुना होगा, अर्थ करने की जरूरत तो नहीं। जैसे प्रतिमा टांकी से बना दी गई, अब नहीं बदली जा सकती। तुम कहो यहाँ नाक बना दे, इधर बना दो, अब बदल नहीं सकते, कुछ भी नहीं बदल सकते, जो बन गई तो बन गई, ऐसे हो ना। तो टंकोत्कीर्ण आत्मा माने हेर फेर रहित, चेंज रहित। थोड़ा समझ कुछ कहना है, सम्यक दर्शन करने पर भी फेर फार रहित, और मिथ्या दर्शन होने पर भी फेर फार रहित। जे अर्थ सोचो, बाकी तो ठीक है, तुम समझ जाओगे। टंकोत्कीर्ण, फिर से बोलो क्या कहा? सम्यक दर्शन होने पर भी ध्रुव ज्यों का त्यों, और केवल ज्ञान होने पर भी ज्यों का त्यों, और मिथ्या दर्शन होने पर भी ज्यों का त्यों। अर्थात तुझे आनंद करना तो इसी में करना है। तुम क्या लगता है केवल ज्ञान होने पर आनंद आएगा? और हम कह रहे हैं आनंद होगा तो केवल ज्ञान होगा। जल्दी बोल गए, क्या बोला बेटे? आनंद होगा तब केवल ज्ञान होगा। एक लड़का, जल्दी शॉर्ट में दस्ता, एक लड़का लड़की देखने गया और ऐसे मुरझाया हुआ बैठा, तो लड़की रिजेक्ट करके चली गई। तो बोले भाई तू मुस्कुरा क्यों नहीं रहा है? क्या करूं पंडित जी, 500 लड़कियां रिजेक्ट कर चुकी, कोई हाँ कर दे तो झट खुश हो जाऊं। बोलो क्या समझाओगे उसे? तू खुश होए तो कोई पसंद तू खुश होए तो कोई पसंद करेगी, रोएगा तो पसंद करेगा कोई। ऐसे ही मैं ध्रुव हूं ये जानकर प्रसन्न होने वाले को सम्यक होता है। टंकोत्कीर्ण देख, कुछ बदला ही तो नहीं है, कुछ बदलता ही तो नहीं है। आहा, तो टंकोत्कीर्ण माने ध्रुव ज्यों का त्यों। पर इतना मस्त जवाब इसका, ध्येय स्वरूप, ये है ध्येय स्वरूप, माने कुछ नहीं बदला, ये ध्येय, इसका ध्यान करो बस खत्म। मुझे ये शब्द भी अच्छा नहीं लगता, ध्यान करो, मुझे अच्छा नहीं लगता ध्यान करो, मुझे अच्छा लगता है ये समझ में आ गया, ये अब ध्यान में घूमने लगा। क्या बोल गए हम? सही बताओ, सही बताओ, लोग में तुम्हें ध्यान करना पड़ता है या ध्यान होता है? यार 10 लड़कियां देख के आए, एक लड़की ध्यान का ध्येय बन जाती है कि बनाना पड़ती है, 10 में से एक हर जगह जाती है वही लड़की देखने लगती, हर जगह जाती है वही लड़की। क्या बताएं बेटा, हमें तो वही वही दिख रही, पिताजी जब 80 साल में तुम्हें दिख रही तो हमें भी ये ध्यान का ध्येय। जब 10 कन्याओं में एक लड़की सबसे अच्छी, तो वो अपने आप दिखती है, आंखों के सामने नहीं होने पर भी दिखती है। ऐसे ही ज्ञान का विषय नहीं बनने पर भी ज्ञायक तो ध्यान का विषय बना रहता है। कुछ कह गए हम? ज्ञान का विषय ना बनने पर भी ध्यान का ध्येय बना रहता है, कुछ बोला मैंने? रिपीट कर रहा हूं 3 बार। ऐसे कैसा है कि ज्ञान का विषय नहीं हो ध्यान का विषय है? कि ज्ञान, सुनो, ज्ञान मति शुद्ध ज्ञान में एक कमजोरी है, लब्धि और उपयोग की। क्या कह रहे हैं? मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की एक कमजोरी है, उसके पास 2 तरह का ज्ञान होता है, मतलब 99% तो होता है लब्ध रूप, और 1% होता है उपयोग। लब्ध और उपयोग का अंतर समझते हो? जैसे हमारी थाली में 100 व्यंजन, एक बार में एक खाते जी उपयोग, और 99 का ज्ञान है लब्ध, याद रहेगा? 99 आइटम है उनका ज्ञान है, मेरे ही हैं, मेरे ही खाने के लिए है, लेकिन आनंद लेने के लिए तो एक लोग हैं। ओके, ऐसे हमारे ज्ञान में एक मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान होने पर, केवल ज्ञान में नहीं होता, केवल ज्ञान में तो सब उपयोग रूप होता है, सब उपयोग रूप, लब्ध नहीं होता उनको। हमें 20 तक पढ़े याद है ये लब्ध, अब हम कहीं सुनाओ तो तुम 2 का सुनाओगे, 4 का सुनाओगे, जो भी सुनाओ वो उपयोग, बराबर है? अब आत्मा में आ जाओ, हम ज्ञान के विचार में तक नहीं आ रहा कि मैं आत्मा हूं, मैं ध्रुव, पॉइंट पकड़ो, सब परेशान है यहाँ पे। हमें विचार में तो आना चाहिए पंडित जी, अनुभव के पहले, चिंतन में तो आना चाहिए अनुभव के पहले, और हम कह रहे हैं हमें पसंद आ गया, अब हमें कुछ नहीं होना चाहिए। ध्यान का ध्येय समझ में आ गया? ये है ध्यान का ध्येय, ध्येय स्वरूप, ध्येय स्वरूप
बोले भैया ए तुम कैसे ध्यान करते हो उस लड़की का जो 10 लड़कियां दिखी थी, एक लड़की का ध्यान चल रहा है, तो ऐसा पूरे ऐसे ऐसे सोच के ध्यान करते हो? रामा बाई, कोई रामा ना हो रामा बाई, इस कलर की साड़ी पहनी थी उसने, इस नाश्ता लेके आई थी प्लेट में, ये सब बातें याद आती है? ये सब बात थोड़ी याद आती है? केवल बस 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 अब शब्द नहीं उसके, बस पंडित जी वो ही पसंद है तो आ जाता है कि नहीं? ऐसे एक आत्मा ही पसंद है। हाँ, अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं यदि ऐसा है तो मैंने अनुभव कर लिया, यदि ऐसा है तो मैंने आत्मा को प्राप्त कर लिया, यदि ऐसा है तो अपन क्यों परेशान हो रहे हैं भैया? समझ में आते हैं? अपन उसको ध्यान उपयोग में लाना चाह रहे, और ध्यान उपयोग में नहीं आने पर भी होता है गजब, पकड़ना सब लोग, सूक्ष्म बात है थोड़ी सी। हमें क्या लगता है उपयोग में तो आना चाहिए आत्मा, तभी तो शुद्ध उपयोग होगा। हम कह रहे हैं उपयोग में कुछ भी झलकता रहे तो अभी उसकी इसलिए परवाह नहीं होती कि यहाँ ध्रुव है, दृष्टांत और नहीं समझ में आएगा ना, अभी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें पकड़ में नहीं आ रही होंगी। अपने को तो यही मालूम है शुद्ध आत्मा पर उपयोग जाना चाहिए। सुन लो सभी लोग, प्रश्न कर रहा हूँ मैं, शुद्ध आत्मा पर उपयोग जाएगा तभी शुद्ध उपयोग हुआ या नहीं? प्रश्न खुल्ला खुल्ला कह रहा हूँ, छिपा के नहीं कह रहा हूँ। चंदू भाई समझ में आ रही बात? नहीं आ रही ना थोड़ी, देखो तो दृष्टांत देता हूँ, बहुत दृष्टांत। फैक्ट्री में आग लग जाए, दृष्टांत है ना, डरना नहीं, फैक्ट्री में आग लग जाए और तुम्हें पता है कि इसका इंश्योरेंस है, पता है, तो जिस समय आग लगेगी उस समय आपको चिंता होगी कि नहीं होगी? घबरा रहे हो, चिल्ला आग लगी, जल्दी आग, जल्दी पानी लाओ, पानी पानी पानी, बजा बजा बजा, जो कुछ भी, और फिर भी लगती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही, और तो बजाते चले जा रहे और दूर पसीना पसीना हो रहे हो और सबको बुला रहे हो, सब कर रहे। अभी अभी मैं सही पूछ रहा हूँ, इस घटनाक्रम में उपयोग तो भटक रहा है लेकिन एक आनंद धारा चल रही नहीं, चल बता वो आनंद धारा कहां से आई? बता क्यों तुम्हें चिंता नहीं हो रही? बेहोश नहीं हुए अभी तक? 1 करोड़ का माल जल गया तुम बेहोश नहीं हुए? वो बेहोश क्यों नहीं हो रहा? 10 करोड़ का माल जलने पर भी बेहोश क्यों नहीं हो रहा है, बल्कि और बोलूं रोमांच हो रहा है? क्यों? 10 करोड़ का माल जला, 20 करोड़ का बीमा है। अब बोलो अपन कितने साल में बेच पाते 20 करोड़ का माल? जो होता है अच्छे के लिए होता है। अपनी तो कोई गलती है नहीं, अपन ने तो जला ही नहीं, अब शॉर्ट सर्किट हो गई तो हो गई, हम क्या करें, हमारी तो कोई गलती नहीं। बुझाने का फोटो खींच लो, वीडियो बना लो, देखो भाई हम तो बुझा रहे थे, कैमरे लगे थे उसमें पहले ही आके कि शॉर्ट सर्किट से जला है, हमारी कोई गलती है नहीं इसमें, बुद्धि हमारा सब सही। तो आपको प्रति समय काय का रोमांच हो रहे, बेहोश क्यों नहीं हुए? मरे तो मरना तो छोड़ो, बेहोश क्यों नहीं हुए? एकदम फुल अनुभूति की धारा चल रही है। समझ आया कि नहीं आया? ऐसा कहकर कुछ कहना है मुझे, कुछ कहना है क्यों? बहुत लोग परेशान हैं, मैं बहुत कोशिश करता हूँ पंडित जी उपयोग को आत्मा में ले जाने की। सुन लो सब लोग, सुन रहे हो? सुना है नहीं सुना है? उपयोग को आत्मा में ले जाने की बहुत कोशिश करता हूँ, हमने तो बैन श्री के वचनामृत सुने हैं, उपयोग को गहरे गहरे पाताल में ले जाओ, चेतन की गहरी गहरी गुफा में ले जाओ। रियल बात कर रहा हूँ, यदि ऐसा तू ले जाएगा तो फिर मुनि दशा में क्या होगा? कपड़ा पहने पहने पहले से घोड़ा स्थान वाला मिथ्या दृष्टि, यदि उपयोग को इतना आत्मा में ले जाए एक आध घंटा 15 मिनट 10 मिनट तो वहां कहा 3 कसाय चौकड़ी अभाव में 5 सेकंड, और 1 सेकंड हो जाए ना तो 8वां गुण स्थान हो जाए, छपक श्रेणी, श्रेणी मान ले, छपक का तो नहीं क्या, कोई सी भी मान मान सकता है, 1 सेकंड हो तो ऊपर गुण स्थान बढ़ जाए। हमें हंसी मजाक सी लगती है बात, इसलिए सम्यक दर्शन बहुत सरल है। समझ में आया? पंडित साहब ने इसके लिए बहुत प्यारा दृष्टान दिया, बहुत ही प्यारा दृष्टान दिया, बहुत शॉर्ट में दूंगा सब, लंबा नहीं करूंगा। पहली विदा के बाद पत्नी विदा हो रही थी तो पति अनमना हो रहा था, उसे लग रहा था उसके हाथ में से जैसे कोई रत्न जा रहा हो, पहली बार जा पहली पत्नी, पहली पत्नी है पहली बार में। तो बड़ा अंदर में दुखी सा था, तो उसने कहा तुम्हें तो हमारी याद ही नहीं आई, तुम तो भूल जाओगी, तुम्हारे तो मीह पिया सब होते ना सब। तो उसने एक जवाब दिया, मुझे तुम्हारी याद नहीं आई। कैसा लग रहा उत्तर?
याद ही नहीं आएगी। बोले याद तो उन्हें किया जाता है जिसे पता, कोई स्त्री ऐसी है जो भाजा के पति की माला फेरती हुए हरे राम हरे राम हरे राम ऐसे? क्यों मुकेश तेरी पत्नी ने माला फेरी थी? क्या एक बार भी नहीं फेरी होगी? क्यों सुबह उठ के सोचती होगी चलो भैया, ऐसा कोई सोचता है? कोई ध्यान में से पति चला जाता है? अब बोलो, अरे विकल्प तो वो करे जिसे आत्मा का अनुभव ना हुआ। हमें विकल्पों में आत्मा नहीं मिलता, आत्मा में विकल्प नहीं हो, विकल्पों में तब सदुपयोग होता है, और विकल्प के आग्रह वाले को सदुपयोग नहीं होता है। थोड़ा सा स्वामी जी की भाषा बोलूं, स्वामी जी की भाषा में, वर अपनी ओर देखता है तो उसे वधू मिलती है, और जो वर वधू की ओर देखते हैं उन्हें बतेसे मिलती है। जल्दी बोल गए, नहीं समझ में आया? देखो वर वर देखा, वरमाला होती है तो ऐसे खड़ा रहता है, ऐसे बैठे, वो अपनी ओर देखता है, किसी की ओर नहीं देखता, तो वधू की बाला मिलती है, वधू वधू मिल जाती है। वर को किसी की ओर नहीं देखता तो वधू मिलती है, बहू मिल जाती है, ठीक है। और बराती जितने लोग आती हैं वो दोनों को देखते रहते, कोई अपनी तरफ नहीं देखता, तो उन्हें क्या मिलती है? क्या मिलता है बोलो? ज्यादा हो तो उन्हें शिकंजी मिल जाएगी, थोड़ा और ज्यादा हो तो एक प्लेट मिल जाए, मैंने उसको पुण्य मिलता है। स्वामी जी कहते थे उसको पुण्य मिलता है, लेकिन शुद्ध उपयोग तो उसे मिलता है जो अपने विकल्प भी मैं भी नहीं पड़ता, मैं हूं ना, हूं ना। स्वामी जी की भाषा बोलो, है नहीं हकार, हूं नहीं हकार, हूं नहीं हकार, बस खत्म। हकार हकार विकल्प नहीं। तो पंडित कहां, कल का क्या हुआ तुम्हारा? कल का आधा जाते जाते प्रतिज्ञा करो कि आज से ध्रुव का विचार नहीं करूंगा। सोचना बिल्कुल शांति से, मैं तो बहुत खुल्ला खुल्ला पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है इन बातों की आलोचना हो सकती है, करो आलोचना, मैं खुद कह रहा हूँ, आलोचना करोगे तो समझ में आ जाएगी कुछ। सुनो आगे पीछे, सच में बहुत गजब, इतना सुंदर विषय है, इस विषय में सम्यक दर्शन से सरल कोई दूसरा काम ही नहीं। आगे कुछ कह रहा हूँ, सुनना ध्यान से, अब बहुत मस्त बात आई अगली। लोकोत्तर साधन, नया शब्द बोलना बेटा प्रथमेश, क्या बोले? क्या बोला बेटे? लोकोत्तर, लोकोत्तम नहीं, लोकोत्तम नहीं, लोकोत्तम कर दो, लोकोत्तर साधन। इस शब्द के मीनिंग में तो मुझे नाचने का मन करता है, इतना बढ़िया शब्द है। प्रभु पहले बताता हूँ, पहले दृष्टांत, पहले दृष्टांत देता हूँ, आप एकदम जल्दी सिद्धांत नहीं पकड़ पाओगे। पहले दृष्टांत बोलो, हमने तुम्हें अमृत पीने के लिए दिया था, तुमने पैर धो ली, कैसा किया धनपाल बोलो? हमने अमृत पीने के लिए दिया था, तुमने पैर धो ली। ऐसे आत्मा का ज्ञान हमने मोक्ष जाने के लिए दिया था, और तुम कमाई में लग गए, कमाई में, और बड़े खुश हो रहे, हमारी चाय, हमारी दुकान, हमारी फैक्ट्री, हमारी हॉस्पिटल ढोर, अरे क्या कह रहे थे? अरे हमें नहीं कह रहे, जी कह रहे, लोकोत्तर साधन था भाई साहब, ज्ञान और ज्ञायक, ज्ञायक ज्ञायक का क्या था जी? लोकोत्तर, लोकोत्तर समझते, लौकिक में उसका फल नहीं था, अलौकिक फल था। ज्ञायक अलौकिक है, उसका फल भी अलौकिक है, और तुमने करा कायम प्रयोग। दृष्टांत सबने सुन रखी, नहीं सुनाऊंगा लंबा चौड़ा। एक व्यक्ति को एक अमर होने का आम मिला, सुना ना, याद आ गई कहानी, अमर होने का आम मिला। उसने सोचा हमारे जिंदा रहने से क्या फायदा, राजा इतना बढ़िया महान न्यायशील है, ये जिंदा रहेगा तो अपना देश चलेगा। तो वो आम राजा को देगा, महाराज ये अमर फल है, आप खाओ, कभी आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, आप ऐसे रहोगे तंदुरुस्त, अनंत काल तक देश पे शासन करना, अनंत काल तक। राजा ने सोचा मेरे जिंदा रहने से क्या फायदा होगा, मेरी प्रेमी पत्नी मर जाएगी, और पत्नी मर गई तो हमारे जिंदा रहने से क्या फायदा, वो अमर हो जाए तो मजा आ जाए, हम भले ही मर जाए। उसने अपनी पत्नी को दे दिया, पत्नी बोली मैं जिंदा रहूंगी तो क्या फायदा, वो आशुपाल मर जाएगा, वो ही मेरा प्रेमी है, वो मर गया तो हमारे वजह से क्या फायदा, माने भाई दे। और माने सोची हमारे जिंदा रहे से क्या फर्क पड़ती, बेस्या
बेस्या को पकड़ा दी वहां। बेस्या ने सोचा बेकार है, हम तो रोज पाप कर रहे, हमारे जिंदा रहने से क्या फायदा, राजा ही बढ़िया है। और हम वापस राजा कर रहे। अब लंबी चौड़ी होगी नहीं स्टोरी, गुरुदेव बहुत सुनाते थे, गुरुदेव बहुत सुनाते थे दादा। मुझे तो जो बात कहनी वो समझो बता, हमने तो तुझे अमर होने के लिए दिया था और तूने इसे लोकोत्तर साधन नहीं बना करके लौकिक साधन बना लिया। ये अनंत पाप है, मिथ्यात नाम का अनंत पाप है। जो ज्ञान गाय की प्रसिद्धि के लिए मिला था वो ज्ञान तू डॉक्टरी में, व्यापार में, धंधा में। एक महिला ऐसे खुश होती ना, मेरी रसोई नहीं समझ, मेरी रसोई नंबर वन, सारा परिवार खुश खुश थी जाए। हम ढोर कहना चाहते मतलब नहीं कह रहे। अरे प्रभु तुझे ज्ञान गायक की प्रसिद्धि के लिए मिला था कि रसोई की प्रसिद्धि के लिए? जिनके घर में पुण्य का उदय होता है उन्हें अच्छी रसोई नहीं मिलती, पता है? जल्दी बोल गए, उल्टा तो नहीं बोल गया? जिनके पुण्य का उदय होता है उन्हें अच्छी रसोई नहीं मिल पाती, तो उसे ज्ञान बैराग का निमित्त बना रहता है। अब अच्छी मिल गई, खाए पिए मत, खाए पिए मत, भेद विज्ञान की सोचता भी नहीं हो, थोड़ा नमक कम हो ना तो भेद विज्ञान आता है। अरे नमक कम क्यों? अच्छा भोजन में भेद विज्ञान करते हो? तुम्हें से कौन कौन करता है? अच्छे भोजन में, टेस्टी भोजन में क्यों बोलो? जब थोड़ा बहुत कम रहता है ना तब लगता है, कितनी बार कहा नमक थोड़ा कम डाला करो, क्या करे मेरे कर्म का उदय। लड़ाई करनी हो तो तेरी गलती है, लड़ाई नहीं करनी हो तो अपने कर्म का बजाय। बोलो भाई क्या करना है? शीतल फिर से बोलो, लोकोत्तर साधन, बड़ा प्यारा शब्द है। प्रभु जो ज्ञान तुझे मिला था वो तो मोक्ष जाने को मिला था, जो ध्रुव स्वभाव का ज्ञान मिला था वो तो मोक्ष जाने के लिए मिला था। हाँ तुम बोलो, बोलोगे क्या? बढ़िया, तुम्हारी 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 लिए लायक है जो वो तुमने वो ध्रुव का ज्ञान। अब मैं भी यही प्रवचन करूंगा, अब यही सुनाऊंगा सबको, बढ़िया प्रवचन है। तुमने क्या कर दिया? ख्याति ला पूजा में लगा दिया। हम भी अब सबको समझाएंगे। अरे प्रभु तू समझ तो सही, समझा मत। समझे हुए को देखकर अनंत जीव समझ जाते हैं और समझाने वालों से एक भी नहीं समझता। भ्रम निकाल लो, मैं प्रवचनकार बन जाऊं, लेखक बन जाऊं, टीकाकार बन जाऊं, समझाऊ दू, कुछ नहीं। फिर से बोलो क्या वाक्य बोला था बेटे? समझदार को देख करके अनंत जीव समझ जाते हैं, जैसे महावीर भगवान उससे पहले नहीं बोले और जब देखा तो दुनिया समझती चली गई। और समझाने का दृष्टांत बहुत सारे मिल जाएंगे, तुम्हारे घर में रोज आई है। तुम में से कोई व्यक्ति जिसने पत्नी को समझा लिया हो आज तक? मतलब पत्नियों से ही पूछ सकते, तुमने आज तक पति को समझा पाए? अच्छा चलो पति पत्नी का झगड़ा ज्यादा ज्यादा है, चलो बच्चों को समझा पाए? चिद्रू को समझा दिए बेटी? गंदी बात बेटी, समझा पाया कोई किसी को? पंडित साहब ने तो लिखी दिया, राजन कुमार जी ने, समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं स्वयं समझ जाता। और क्या है वो दिव्य ध्वनि भी किसे समझाती है, स्वयं जागृत हो तो। आज समझ में आया कि नहीं? और आगे क्या है? आदि स्वर समझाया, समझाया मारी जीव माने क्यों किसी की कोई आत्मा आत्मा कौन समझाए? चेलना ने खूब समझाया, खूब खूब तर्क युक्ति आगम वो कछु कसर नहीं छोड़ी उन्हें, खूब समझाया मैंने जबरदस्त। इतना बढ़िया कोई शास्त्री भी नहीं समझा सकता जितना अच्छा कोई हिम्मत के साथ। जो घटना पड़ी है अपन ने वो बहुत हिम्मत वाली घटना है, कोई ऐसी घटना नहीं है। लेकिन वो श्रेणी को नहीं समझा, वो तीन दिन वो सांप पड़ा रहा मुनिराज के गले में, वे मुनिराज बोले तक नहीं। वो श्रेणी समझ देखते से ही समझ गया, देखते से ही समझ गया, सम्यक दृष्टि हो गया वो। सांप निकाल के पश्चाताप लिया अपना, हरे रे धिकार है मुझे, आज आज फिर पूरी पूरी बात समझ में आ गई।
बोलो भाई, आपको पता है? कुछ अच्छे से डायलॉग बोलना है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कोई डायलॉग बोलना मुझे। समझदार व्यक्ति समझाने से दुखी रहता है, हम उसे समझदार नहीं कहते। इसीलिए मैंने कहा था कुछ बोलूंगा तो ध्यान से सुनना। क्या बोला मैंने? समझदार व्यक्ति समझाने से सदा दुखी होता है, इसलिए मैं उसे समझदार नहीं कहता। दो बार बोल दिया। बोलो भाई, कौन बोलेगा? अपने को समझदार मानते हैं तो अच्छे लगता है, पंडित मैं तो समझता हूँ, ये नहीं समझता, मैं तो समझता हूँ, ये नहीं समझता, और समझाने के चक्कर में अपन बेवकूफ बन गए। वो तो समझा नहीं, अपन ने सिर्फ बोल लिया। कई बार महिला छाती पीट लेती हैं, बच्चे समझते नहीं है, मर जाए, कहाँ करे, कहाँ चले, कोई नहीं समझता। ये अरे तो तूने कहा छाती पीट ली, मैं इतनी समझदार हूं, मुझे समझता नहीं। और वो समझता है कि तू समझदार नहीं। बहुत मस्त मार्ग है, तू किसी को समझाने के लिए छाती मत कूट। समझने वाला तेरे लिखा है, तुम समझाने लायक कब हो जाओगे? एक प्रश्न है साहित्य में, एक प्रश्न है, तुम समझाने लायक कब हो जाओगे? उन्होंने कहा, जब कोई तेरे पास आकर के सलाह मांगने लगे। जब कोई तुम्हारे पास आके सलाह मांगे तो समझना कि तुम समझाने लायक हो गए होगे, इसलिए वो पूछ रहा है। बहुत कठिन है सब चीजें, कसाएं हमको समझदार बताती हैं, कसाएं, और समझाने का कोई बेवकूफ बन जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। जितने मुमुक्षु हैं, जिनको रुचि लग जाती है, उन्हें लगता है मेरे को तो कल्याण हो गया, बस इसका और हो जाए। और तू तेरा कल्याण कर, तुझे देख के सब कल्याण कर लेंगे। बहुत कठिन काम है। मैं नहीं बोलूं तो, नहीं समझाऊं तो प्रभाव ना होगी नहीं। कौन ने कह दिया नहीं होगी? तू जहां बैठा होगा वहां प्रभाव ना हो जाएगी। लेकिन हमारा तो टारगेट होते नहीं, इसे टारगेट करना है। अरे रेलगाड़ी में बैठा उसका हो जाए तो? अरे वो तो अननोन है, ये तो नॉन को क्यों परेशान कर रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत मस्त मारे भैया, बहुत मस्त मारे, बहुत, मैं बोल ही नहीं सकता हूँ कितना मजा आता है। वापस, समझदार वह है जो किसी को समझाता नहीं है। समझ में निमित्त बने तो बन जाए, किसी की समझ में निमित्त बने तो बन जाए, लेकिन हम समझाने के चक्कर में पड़ते नहीं। क्यों नहीं पड़ते? आप चाहो तो कर्णानयुग से बता देता, अभी तो द्रव्यानयुग से कहा, कर्णानयुग से, क्योंकि उसके ज्ञानवर्णी कर्म का उदय हो तो अपन कुछ नहीं कर सकते। क्या बोला हमने? कुछ बोला पहले शीतल? क्या बोला है? हाँ, सिद्धांत याद हो जाए इसलिए पूछ रहा हूं। आपने देखा होगा, चाहे हम हो या आप हो, यदि ज्ञानवर्णी कर्म का उदय किसको कहते हैं? समझ में आ रहा है? ज्ञानवर्णी का उदय माने नहीं समझ सकता, समझता है तो छह ऑप्शन, नहीं समझे तो उदय। क्या बोला हमने? समझता है तो छह ऑप्शन, और नहीं समझता तो उदय। अब छोटा बच्चा हो वो गलत नहीं होता, उसे मम्मी पापा का तिरस्कार नहीं है, तुमको कोई मम्मी पापा की तिरस्कार नहीं है, लेकिन वो जब तक क्षयोपशम होता, वो नहीं होता, उदय होता है, तब तक वो समझ में आता ही नहीं। कभी आपने देखा है, सुबह नहीं समझ में आई, वो शाम को समझ में आ जाती, वही बात। जब तक पिताजी समझा रहे थे तब तक नहीं समझ में आई, और जैसे ही पिताजी एक्सपायर हो गए, दो साल बाद एकदम समझ में आई, पिताजी ने कहा था। पिक्चरों में देखा, फ्लैशबैक। अब अरे पिताजी सही कह रहे, नरक में फ्लैशबैक होता है, यहाँ नहीं समझ में आती। और दिव्य ध्वनि का जाति स्मरण वगैरह वहां हो जाए, काम अब समझ आया ना। तो अब तेरे समझाने से वो सामने वाला खराब है, ये निर्णय मत कर, वो बेवकूफ है, मूर्ख है, अज्ञानी है, ये तीन बातें मत सोच। क्या बोल रहा हूँ? मूर्ख है, अज्ञानी है, इससे तेरी कसाई बढ़ेगी। तू सोच, अभी उसका ज्ञानवर्णी कर्म का उदय है। पॉइंट पकड़ना बिल्कुल। कई बार आपने सबने फीलिंग की होगी, तो अंतर जो मैं बता रहा हूं, कोई कितना भी समझाता है तो हमें समझ में नहीं आता, देखा कि नहीं देखा? और फिर जब समझ में आना तो आ जाता है। समझ में आया बात? तो अब इससे क्या फायदा हुआ जो बताई बात, कि तू तेरा ज्ञान किसी को समझाने के लिए नहीं मिला, वो लोकोत्तर है, समझने के लिए मिला है, ये लोकोत्तर। समझ में? मैं ज्ञायक हूं, ये समझने के लिए मिला, ये लोकोत्तर, और समझाने के लिए मिला, ये लौकिक हो गया।
तो अब एक बात समझ, हमें समझाने का प्रयास का भी ध्यान रखना, समझाने का राग फिर भी आता है, राग आता है, ये आत्म तिरस्कारी भाव है, प्रवचन करने का भाव, सुनना ध्यान से बिल्कुल, ये तो पाप के सामने पुण्य की बुराई नहीं करते, नहीं करते, लेकिन लिखा है स्वभाव आत्महंता भाव है, समझाने का भाव कसाय है, समझाने का भाव विकार है, ये आत्मा नहीं है, आत्मा का विरोधी भाव है, ऐसा लिखा है। तो इससे हमें क्या फायदा होगा कि तू आत्म विरोधी भाव जानेगा तो उपाधि नहीं करेगा, रहेगा तो मैं प्रवचन कर रहा हूं तो है ना, प्रवचन कर ही रहा हूं ना, तो मैं जानता हूं कि आत्महंता भाव है तो उपाधि नहीं होगा। अभी कैसे खुश हो जाते, मैं खूब समझा रहा हूँ, पूरे देश में जा रहा हूँ, मेरे लाखों फॉलोवर है, बस कट गई गला, क्यों उत्तर बोलो, क्योंकि तेरा ज्ञान लोकोत्तर था। बस अंतिम बात कहकर छुट्टी कर, आज अपन लेट बैठे थे ना इसलिए लेट छोड़ा, मैंने घड़ी भी लेट नजर पड़ी, मैंने देखा तो टाइम हो गया, आकुलता तो नहीं हुई, अब हो भी गई होगी तो क्या कर लगा। ठीक, तो अंतिम दृष्टांत, पिताजी ने तुमको 10 करोड़ रुपए दिए मुकेश, काय के लिए, एक फैक्ट्री खोल, और उस फैक्ट्री खोलने में बाधाएं आई, बाधाएं तो आती, निर्माण में बाधा आती, फला में इसमें, तो कुछ खिलाने पिलाने में जाता है, तो तुम इसमें खुश होती, खिलाने में जो पैसा जाता है रिश्वत देने में उसे खुश होती, भाई मजा आ गया, अब रिश्वत दे के अपना काम हो जाएगा, अब मजा आ गया रिश्वत दे के अपना काम हो जाएगा, समझ गए सब, अब जाना रिश्वत देनी, तो खुशी होती है, तो दिखती तो खुशी है, रिश्वत देने से काम हो गया, लेकिन पिताजी ने व्यापार चलाने को दिया था कि रिश्वत देने को दिया था, क्यों, यदि रिश्वत देने से काम हो जाए तो 100 रुपए मत दो, 1 करोड़ दो, 10-10 लाख दो, 100 रुपए की मांग रहा उसे 1 लाख दो, 10,000 मांग रहा उसे 1 लाख दो, क्या करेंगे श्रीराज, बोलो कि भैया पिताजी ने इसके लिए नहीं दिया, अब क्या बोलेंगे अपन, पिताजी ने रिश्वत देने को नहीं दिया, फिर दे क्यों रहे हो, कि दिए बिना काम नहीं होता, पॉइंट पकड़ रहे कोई, पॉइंट पकड़ो, देने का हर्ष दिखने पर भी याद है कि पिताजी ने रिश्वत देने के लिए नहीं दिया, ऐसे ही ज्ञान में प्रवचन हो रहे हैं, व्रत उपवास हो रहे हैं, जो सब हो रहा है, दुकान भी चल रही, दुनिया भी चल रही, पत्नी बच्चे व्यापार धंधा सब चल रहा है, लेकिन प्रति समय ज्ञानी को खबर है मेरा ज्ञान लोकोत्तर है, इसके लिए मुझे मिला, सब कुछ करते हुए भी, दिगंबर मुनिराज ग्रंथ लिखते हुए भी, मम कलमास्त काया, मम परम विशुद्धि भव, ज्ञान काय के लिए मिला, ज्ञान के लिए, काय के लिए नहीं मिला, प्रचार प्रसार के लिए मिला, प्रचार प्रसार करके खुश भी होता है, रिश्वत देके खुश भी होता है, पिताजी काम हो गया, 10 लाख दिए, हो गया डन, अब कुछ नहीं देना अपने को, अब बस पूरा काम, क्या बोलते हो इंग्लिश में तुम, दौड़ेगा सारा काम, अब रुकेगा नहीं, कोई बाधा नहीं आएगी, है ना, ऐसे यहाँ पर ज्ञान तो ज्ञायक के लिए था, लेकिन बीच के गुण स्थानों में गलतियां होती हैं, गलती कह रहा हूँ विराधना, लिखा है सब, मैं नहीं कह रहा हूँ, सब साहित्य में लिखा है, दिगंबर मुनिराजों को धन है वो विकारी भाव, शुभ भाव, शुभ उपयोग, यदि उन्हें शुभ उपयोग नहीं आता तो हमें निहाल नहीं कर जाता, आज पूरे हिंदुस्तान में जो धर्म शासन दिख रहा है वे उनके सोपयोग रूपी अपराध का फल है क्या कह रहे, उनके लिए तो अपराध था, लेकिन हमें तो, हमें नहीं मालूम, हमें तो आपका परिणाम ही निहाल कर गया, हमें तो युवल जी बाबू जी का पढ़ा होगा श्रुत पंचमी वाला, उसमें कहा है, लेकिन आपका एक विकल्प भरत क्षेत्र को निहाल कर गया, एक विकल्प समय साजी लिखना, आप निहाल करें, ठीक है, जो शुभ भाव है उससे होता तो आत्मा का घात है, लेकिन लोक का भला हो जाता है, और ज्ञानी ये जानते हैं कि मैं लोकोत्तर हूं, इस लौकिक भला करने का काम मेरा नहीं है, तो हे उपाधि की संधि बैठ गई, ये फायदा होगा, विचार, ओम नमः।